स्टार्ट अभी तक मैं क्यों करूं तू कर दे मैं क्यों करूं तेरी बारी तू कर आज तू कर दे यार मेरा मन नहीं आज मेरा मन नहीं आज भाई भाई ऐसे मत कर भाई क्यों अब भाई लड़ाई वाली बात कर रहा है लड़ाई हो जाए कोई दिक्कत नहीं है तू राजस्थान मैं पंजाब अपने किसी के घर में मैच नहीं होगा आज होगा न्यूट्रल वेन्यू हो पे मैच नो मैन्स लैंड में नो मैन्स लैंड पे ना माने ना माने तो नो नोमै लैंड में ही आएंगे आज और मैच नंबर की बात करने वाले हैं राजस्थान रॉयल्स पंजाब किंग्स और ये मैच हो रहा है नो नोमैंस लैंड में यानी कि दोनों में से किसी भी टीम का होम ग्राउंड नहीं है गुवाहाटी के ग्राउंड में मैच होने वाला है और रन बरसने वाले हैं मैं उम्मीद लगा रहा हूं लेकिन बात करेंगे इस चीज के बारे में और उसके साथ साथ ऋतिक से बात करते हैं सबसे पहले कि यार हम बात करेंगे मार्केट्स ऑफ द डे की तो सबसे पहला सवाल हमें पता ही है, मार्केट डे तो में क्या आने वाला है कि कौन सी टीम जीतने वाली है आप किसकी तरफ जाने वाले हो अब तो आर को जीतने दो <laughs> अब तो प्ले ऑफ पे पहुंचने दो एक की अब उनके पास फिर ऐसा हो जाएगा कि भाई उनके पास मैच नहीं बचेंगे दो मैच बचे हैं आरआर के पास अब उनको एक मैच जीत के पंजाब के खिलाफ पहुंचने दो के पहुंच के पहुंच गई के से पहले की पहुंचने वाली थी आरआर वो ही नहीं पहुंच पा रही अभी तक हारी जा रही है क्या बात है? नहीं ये बात तो है लेकिन और पंजाब की टीम के पास वैसे भी कुछ बचा नहीं है या तो वो थोड़ा सा उनकी जो खिचड़ी है वो खराब करेगी एक और मैच की की बटलर भी तो नहीं है बटलर भी नहीं है तो ये भी बहुत बड़ी समस्या रहेगी है सैम करन और इंग्लैंड के काफी सारे प्लेयर्स नहीं है वहां पर बात तो है काफी सारी दिक्कतें हैं और ईसीबी ने वापस बुला लिया क्रिकेटर्स को कि भैया आ जाओ

तो बाजी के वर्सेस आप पंजाब, टी -टी पंजाब आपको क्या लगता है और ऋतिक आपको क्या लगता है, राजस्थान yes. जीत रही है? Yes. Head -head में पलड़ा भारी है राजस्थान का वैसे हाँ मैं बताता हूँ आपको वैसे अगर देखा जाए तो दोनों के बीच में कुल मैच हुए हैं ट्वेंटी जिसमें से सोलह जीते हैं राजस्थान ने और पंजाब ने जीते हैं ग्यारह तो राजस्थान का जो अगर रेट देखें यहाँ पे येस पे है फाइव पॉइंट सिक्स रुपीज तो फाइव पॉइंट सिक्स थोड़ा सा ज्यादा है मेरे हिसाब से हम अगर यहाँ पे फाइव पे जाएंगे तो कॉन्टेस्ट इक्वल हो सकता है क्योंकि जब मैच शुरू होगा तो पंजाब भी कहीं ना कहीं डोमिनेट करेगी इसलिए मुझे लगता है फाइव के प्राइस पे हम अगर हम जाएंगे तो बेहतर रहेगा तो कॉन्टेस्ट जो है यहाँ पे हम हंड्रेड के एंटर करेंगे और राइट स्वाइप कर देंगे और सौ कॉन्टेस्ट में हम एंटर कर जाएंगे उसके बाद दूसरा जो सवाल है नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आएगा टीम बैटिंग फोर्स विल स्कोर फोर्सोर मोर रन इन ट्वेंटी ओवर्स अब यहां पे अगर हम बात करें तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट है 188, बड़े आराम से बन जाएंगे बिकॉज जो ओवरऑल पिच है वो बैटिंग फ्रेंडली विकेट है और यहाँ का जो एवरेज स्कोर है वो वन नाइन के आसपास का ही है तो वन एटी एट रन बनाना बिग टास्क फॉर राजस्थान रॉयल्स और पंजाब की टीम के पास भी अगर आपके पास कंडीशंस वैसी मिल रही हैं तो प्रोबेबली यू कैन एक्चुअली स्ट्राइक द बॉल एट वेरी गुड पेस और उसके साथ साथ आप रन बना सकते हो अच्छे इकॉनॉमी और अच्छे एवरेज के साथ बेसिकली इकॉमी तो बॉलर्स के लिए हो गई और वो पिटाई हो सकती है उनकी वहां पर तो देखना होगा मेरे हिसाब से ये अगर यहाँ पे राजस्थान बैटिंग कर रही है तो मेरे को लगता है कि बड़े आराम से बन जाएंगे अगर पंजाब बैटिंग करती है तो क्वेश्चनेबल हो सकता है तो उस वक्त पे आप जाके हेज कर सकते हैं और वहां पर जाके थोड़ा बहुत ट्वीक कर सकते हैं अपनी नो पे जाके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिससे प्राइसिस फ्लक्चुएट करेंगे उसके बेसिस पे आप मैनेज कर सकते हैं तो अभी के लिए अगर यहाँ पे अज्यूमिंग कि राजस्थान रॉयल्स इज गोइंग टू बैट फर्स्ट तो मैं यहाँ पे कहूंगा यस और इसको हम ले जाएंगे फोर की तरफ प्राइस को और हंड्रेड कॉन्टेस्ट में हम एंटर कर देंगे एंड फोर फिफ्टी रुपीजे पे रिटर्न मिल सकता है फाइव फिफ्टी का और उसके बाद आगे चले तो नीचे आएगा एक और सवाल जो कि है पावर प्ले का राजस्थान विल स्कोर 55 और मोर इन ओवर्स या फिर पंजाब विल स्कोर फिफ्टी फोर और मोर रन इन सिक्स ओवर्स ऋतिक आप कौन से जाएंगे राजस्थान पचपन रन या फिर चौवन रन पंजाब दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है राजस्थान पचपन पे जाऊंगा मैं बन बन जाएंगे। जाएंगे। बिल्कुल मेरे हिसाब से बन जाएंगे। क्योंकि अब तक राजस्थान की टीम ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है पावर प्ले में चाहे विकेट्स गिरी हो बट दे मेड श्योर की 50 प्लस की पार्टनरशिप लग जाए 50 प्लस का स्कोर लग जाए ओवरऑल पावर प्ले में तो मेरे को लगता है कि यहाँ बन जाएंगे और आ, मैं भी यहाँ पे यस पर ही जाऊंगा एंड थोड़ा सा उसको नीचे लेके आएंगे फोर पे और

तो 400 सौ के इन्वेस्टमेंट और 600 के विनिंग्स हो जाएंगे हजार रुपये जे में आ जाएंगे आपके 400 लगाकर तो देखना होगा कैसे होगा ये क्या हो पाएगा और उसके साथ नीचे चलते हैं जॉस बटलर विल स्कोर स्कोर और और तो मैं तो नौ पे जा रहा हूँ यशस्वी जयसवाल विल नॉट स्कोर ट्वेंटी सिक्स और मोरस क्योंकि मेरे को नहीं लगता है और मैं यहाँ पे एंटर करूंगा कॉन्टेस्ट जो है फोर रुपीज पे शुरुआत में क्योंकि वो बाउंड्रीज लगाते हैं तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे जो प्राइस है वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा बाद में क्योंकि अभी ज्यादा है तो चार और यहां पर 600 की इन्वेस्टमेंट हो गई ऋतिक आपको क्या लगता है यशवी जायसवाल 26 और मोर रन क्या आप यस करने वाले हो या नो करने वाले हो? मैंने तो नो कर दिया भाई नो कर दिया तो मैं यस कर दूंगा क्यों क्यों क्यों

और किसका स्टॉक स्टॉकअप लेने वाले मुझे ये बताओ इसके अलावा जो है मैंने अरदीप का रखा है एक तो मैं हरजदीप पे लॉन्ग पे जाऊंगा क्योंकि बारसपारा स्टेडियम में शुरुआत में नई गेंद मूव करती है अंडर द लाइट्स और हवा भी चलती है तो इस वजह से मैं उनको लॉन्ग लिया है इसके साथ साथ मैं कप्तान संजू सैमसन को भी लॉन्ग पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ ओके संजू सैमसन को मैं भी लॉन्ग पे इन्वेस्ट करूंगा लेकिन उसके साथ में रियान पराग का जो फॉर्म है

क्लासिक क्लासिक फैंटेसी फैंटेसी तो टीम मुकाबले की कुछ ऐसी रही। विकेट कीपर्स में संजू सैमसन बैटर्स में यशस्वी जयसवाल शशांक सिंह और रिली रूसो ऑलराउंडर्स में रियान पराग बोलर्स में युजवेंद्र चहल ट्रेंड बोल्ट संदीप शर्मा आवेश खान हर्षल पटेल और अर्शदीप सिंह वाइस कैप्टन रहेंगे यशस्वी जयसवाल कैप्टन रहेंगे संजू सैमसन और वैसे तो इस फैंटेसी इलेवन में मैंने संजू सैमसन को कप्तान बनाया और उनका लॉन्ग पर भी इन्वेस्ट करना चाहिए बाकी रियान भी है हमारी 11 में 11 में रख सकते हैं उनको बिल्कुल पर मुझे लगता नहीं किया रियान का खास प्रदर्शन आएगा देखो रियान पर आप बाउंड्री से रन बनाते हैं ज्यादा कम्पेरेटिवली तो मेरे को लगता है जो एक्स्ट्रा पॉइंट देखे जाएंगे वो बाउंड्रीज के थ्रू वो एक बहुत क्रूशियल पॉइंट हो जाता है बहुत क्रूशियल मोमेंट होता है और उसके साथ साथ यशस्वी जायसवाल को आपने वाइस कैप्टन लिए मैं यशस्वी जायसवाल को वाइस कैप्टन नहीं लूंगा मैं यहाँ पर संदीप शर्मा की तरफ जाऊंगा वाइस कैप्टन के लिए बिकॉज आई थिंक आई थिंक कि वो परफॉर्मेंस अच्छी देंगे क्योंकि अंडर द लाइट्स अपने कहा कि वहां पे स्विंग हो सकती है और फिर डेथ बॉलिंग भी वो वो अच्छी फिर अगर मान लो सेकेंड इनिंग्स में अगर गेंदबाजी आ गई तो गुवाहाटी में ड्यू बहुत आता है फिर क्या करोगे संदीप शर्मा है यार वो मेरे को लगता है हो तो, तो फिर भी गीला होगा चाहे संदीप आप आपने तो अर्शदीप को भी तो लिया है अर्शदीप को लिया है क्योंकि नई गेंद से मुझे लगता है कि वो कुछ ना कुछ करके देंगे अर्शदीप के पास एक्सपीरियंस है कह रहे संदीप शर्मा के पास एक्सपीरियंस नहीं है नहीं, ऐसा कब कब हमारा प्लेयर प्लेयर संदीप को ना बॉलिंग ऑर्डर उन सब में सेकंड नंबर पे संदीप को ज्यादा सबसे एक्सपीरियंस है ट्रेंड बोल्ट के बाद ऑफ कोर्स मतलब मेरे हिसाब से भाई वहाँ पर वो है ही और मैं संदीप शर्मा को इसलिए लेके जाऊंगा क्योंकि ट्रेंड बोल बॉलिंग जो है हाँ, वो, वो बेहतर बेहतर कर रहे हैं करते हैं करते इसलिए मैंने उनको यहाँ पर वाइस कैप्टन अपनी टीम में रखूंगा बाकी तो सही है टीम और कोई दिक्कत नहीं लग रही मुझे अपने हिसाब से मेरा दिल दिमाग डेटा ये कहता है इनका दिल दिमाग डेटा ये कहता है आपका क्या कहता है आप भी बता सकते हो और उसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं जरा आपका दिल क्या कहता है आज की गेवाज के लिए

कैश बोनस प्राइस भी मिलेगा लेकिन इसके साथ एक कंडीशन भी आती है वो कंडीशन क्या है कंडीशन ये है कि साढ़े सात बजे से पहले पहले आपको अपनी प्रिडिक्शन करनी होगी और उसके साथ साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करना होगा बिकॉज लास्ट मिनट अपडेट्स वहां पर आते हैं वो तो आपको पता ही है उसके साथ साथ हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनको भी फॉलो करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना उसके बाद कमेंट करना प्रिडिक्शन करना और प्रिडिक्शन अगर आपकी सही हो जाती है तो आपको मर्चेंडाइज और साथ में कैश बोनस तो मिलेगा ही मिलेगा और क्या ही चाहिए तो प्रिडिक्शन करने पर अगर आपको रिटर्न इतने अच्छे मिल रहे हैं तो दिक्कत क्या है ले लेना

सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब भी हम आए आपके पास हमारी वीडियो पहुंच जाए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द स्पोर्ट्स वादी शो